कोरोना के संक्रमण के लिए भी बहुत सारे हमें एहतियात बरतने हैं, जैसे सामाजिक फिजिकल डिस्टेंस होना, मास्क लगाना और एक दूसरे से स्पर्श न करना। इसका ध्यान ये पटाखे, ढोल, नगाड़े, टिड्डियों को भगाने के लिए जो हम बजाएंगे उसका भी उस समय ध्यान रखना ज़रूरी है। साथ ही कीटनाशकों की एक सूची है जो सभी कृषक बंधुओं के जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उस पर वैज्ञानिक कृषि वैज्ञानिकों द्वारा और कृषि विभाग अधिकारियों द्वारा और उद्यान अधिकारी द्वारा आप सभी को उसकी क्या मात्रा है, कैसे प्रयोग करना है, उसकी विधा के बारे में अवगत कराया जाएगा। उसका अगर पहले से प्रयोग कर लें तो आप ज़्यादा सुरक्षित रहेगी आपकी फसल और आपकी आय का स्रोत सुरक्षित रहेगा। और आक्रमण की सूचना होते ही जो तत्काल सावधानी उनको भगाने के लिए, हटाने के लिए है, उस पर विशेष निगाह रखना होगा, क्योंकि यह टिड्डियों का दल भारी संख्या में होता है और काफ़ी क्षति फसलों को पहुंचाता है। जिलाधिकारी होने के नाते मेरा आपसे आग्रह है कि हमारे सारी टीम तो अलर्ट रहेगी, लेकिन बिना कृषकों के अपने खेतों में, अपने क्षेत्र में पूर्ण रूप से सतर्क हुए बिना हम टिड्डियों के आक्रमण के का जो प्रकोप है उससे अपनी फसलों की रक्षा नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा करबद्ध निवेदन है कि इसमें पूर्णतः सतर्क होकर अपनी पूरी तैयारी कर लें और पूर्व से ही जो सावधानी बताए जा रहे हैं उसकी व्यवस्था कर लें, ताकि कुछ तैयारियां पहले होनी चाहिए, कुछ तैयारियां आक्रमण की सूचना होने पर उनके भगाने के लिए जो एहतियात है उसकी भी होनी चाहिए। पूरी हमारी तैयारी पूर्व से ही हो जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।